अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक है, वीडियोस में आने का शौक है, लेकिन आपको कैमरा को देख के थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी शाइनेस, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो इसका तोड़ मैं बताता है। क्या हाल है ब्रो? कंसिडर करें मेरे दोस्त बारी को। ये है मेरा दोस्त मुस्तफा बारी। बारी असल में एक इंतहाई फनी और इंतहाई तेज दिमाग का और इंतहाई जेन्युइनली शार्प विटेड इंसान है। बारी और मेरी दोस्ती में एक बड़ा एक खास है कि हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग पागल हो जाते हैं। हम पागल हो जाते हैं से मुराद कि हम लोग अजीब सी जबान में बात करना शुरू हो जाते हैं। ए मोटा भाई कैसा है मोटा? ये है मसला। जैसे ही कैमरा खुलता है बारी वो वाला बारी नहीं रहता, बारी ये बन जाता है। एक बड़ा ही कोई शाय सा और नर्वस सा बच्चा। और आज मेरा एम ये है कि इसके अंदर की सच्चाई में बाहर निकाल के रहूंगा। बारी प्लीज यार, प्लीज बारी। देख बारी, ना तो तेरा कोई रिश्ता आना है इन वीडियो से। बारी प्लीज। क्या कर तू ऐसा यार? मैं क्या करूं यार? मैं वो ऑटोमेटिक निकलता है, मैं अभी सोच रहा हूं मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में नहीं आ। क्यों सोच रहा है? बट आई गेस जो ये बारी के साथ अभी हो रहा है ये काफी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन वीडियोस बनाने वाली कंपनी मैंगोबाज को ज्वाइन करके जिंदगी में पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग शुरू की, तो मेरा और मेरे कोवर्कर अथर का भी कुछ कॉन्फिडेंस का कुछ कॉन्फिडेंस का सीन ऑफ था। मतलब उफ, क्या शॉट आ रहा था तेरा यार। बीच में होता था कि मैं करते करते होता था कि यार ये मैं एक्ट तो नहीं कर रहा, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ। कैमरा सामने आते ही टांगे कांपना शुरू, चेहरा ट्विच करना शुरू, पसीना आना शुरू और दिमाग 1000 की स्पीड पे दौड़ना शुरू। और ये सब मोस्टली एक ही वजह से। देख लोग बेइज्जती करेंगे, सही तरह करना। नहीं लोग इस पे भी बेइज्जती करेंगे, नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, अबे यार गलत कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे भाई, लोग तुझे तबाह कर देंगे। लोग क्या कहेंगे? और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बारी के साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है दिमाग में। यार बारी के मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी पुरानी, मैं वो डाल देता हूँ, पता है यहाँ पे बारी वो डाल देता हूँ। नहीं, मैं तरस रहा हूँ उनको दिखाने के लिए कि तू असल में कौन सी जंजीर से बना हुआ है। लेकिन अगर आपको लोगों का हेट सुनने की आदत नहीं है तो सीन मुश्किल तो डेफिनेटली है, क्योंकि लोग बोलते तो बहुत हैं। कैंसर वीडियोस। गाइस प्लीज फर्स्ट लर्न हाउ टू स्पीक। चल्ला चल्ला है, व्हाट्स ऑल दिस? उर्दू बोलना भी एक कला है। यासिर पूरी को रखा करो यार, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। और लोग क्या कहेंगे का एक छोटा भाई और है जिसको बोलते हैं दोस्त टेक लेंगे। मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी वीडियोस पे कमेंट करेंगे, लॉल लॉल लॉल। अपने आप को तो कैमरे के सामने क्या समझता है तू? क्या क्या ब्रैड पिट है या तू केसी नाइस्टार्ट है, तू क्या है? अजीब, मेरे जहन में ना एक शर्म और टेंशन और एम्बैरेसमेंट और इन चीजों का मिक्सचर का पहाड़ था। और इस टेंशन को कम करने के लिए इससे पहले कि मेरे दोस्त मेरी बेइज्जती करें, मैं उनसे पहले ही पूछ लेता था कि यार भाइयों तुम्हें मेरा कैमरे के सामने सीन कैसा लगता है। जैसे कि आज मैं अपने दो स्कूल के दोस्तों के साथ बहुत अरसे बाद लंच पे गया। शत जी जो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, और सारा जो अपने आप को इस वीडियो में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, और इनसे मैंने पूछा कि यार तुम्हें मैं कैमरे के सामने कैसा लगता हूँ। और दिमागी टेंशन को मजीद कम करने के लिए मैं दोस्तों को बता भी देता था कि यार कैमरा के सामने आते ही मेरे जहन पे क्या चल रहा होता है, जिस तरह कि मैंने आज बारी को बताया। मेरे जहन में मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, शर्म आ रही होती थी। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मुझे तंग करेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरी बेइज्जती करेगी। अबे शकल देख अपनी छिचोरे। और मैं अंदर से ना फुल कांप रहा होता था, उस तरह का सीन होता था मेरे साथ। लेकिन भाई लोग सुनो, बड़ी काम की बात आने वाली है। ये दोस्तों से फीडबैक लेने के और उनके साथ अपने थॉट शेयर करने के चक्कर में मुझे रियलाइज हुआ कि असल तरीका क्या है कैमरा के सामने टेंशन खत्म करने का। मुझे भले बहुत टेंशन होती हो कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे तंग करेंगे, लेकिन इन दी एंड मैं उनके सामने इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं अपने दिमाग की अजीब सी बातें उनसे शेयर कर सकता हूँ, और इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं उनका हर तरह का फीडबैक ले सकता हूँ। तो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा होता हूँ उस तरह के मैं अपने किसी एक दोस्त का चेहरा कैमरे के लेंस में फिक्स कर लेता हूँ, और मैं उसको देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि कैमरा, मैं सोचता हूँ मेरा वो दोस्त सामने बैठा हुआ है। फुल चिल। क्या ब्रो? एक काम कर,
इसको देख और समझ कि ये मैं हूँ, इसको देख और समझ कि ये मैं हूँ। ये थोड़ा खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। ये खराब है क्या? ये देखो ऐसे करके गिरे जा रहा है। हाँ खराब, इसका एक टूटा हुआ है पूरा ध्यान से। भाई सब्सक्राइब कर लो, थोड़े पैसे आ जाएं, अच्छा इक्विपमेंट ले लो।